दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके फोन में तो गूगल मैप होगा, जो सभी एंड्रॉयड फोन के अंदर यानी कि 99% एंड्रॉयड यूजर है ना, उसके फोन के अंदर आपको गूगल मैप दिखने को मिल जाता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल मैप के अंदर 5 ऐसे इंटरेस्टिंग गजब का खुफिया राज छुपा हुआ है, खुफिया सेटिंग छुपा। यदि आप इसके बारे में सच में जान लेते ना तो काफी ज्यादा चौंक जाएंगे और मेरे कॉमेंट के अंदर बोलेंगे कि काश ये चीज मुझे पहले पता होना चाहिए था। क्योंकि दोस्तों गूगल मैप का इस्तेमाल सिर्फ एक ही चीज में करते होंगे, जो भी रूट वगैरह दिखना होता उसी काम में करते होंगे। दोस्तों इसके अलावा भी जो है ना, इसके अंदर जो है ना 5 ऐसे इंटरेस्टिंग गजब का खुफिया राज छुपा हुआ है, सेटिंग छुपा हुआ है, जो आप जानने के बाद काफी ज्यादा चौंक जाएंगे। और जो लास्ट वाला जो सेटिंग बताऊंगा ना, वो तो काफी गजब का है। वैसे तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा भी जो है ना, आप सभी के लिए डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा हेल्प करेगा, काफी ज्यादा मदद करेगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता कि गूगल मैप के अंदर 5 ऐसे इंटरेस्टिंग गजब का खुफिया राज कौन सी है, इससे क्या फायदे होंगे, तो वीडियो को देखते रहे। तो चलिए मैं आपको फटाफट इस वीडियो के अंदर बता देता हूं। मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारी और आप देख रहे हो अटोगा YouTube चैनल। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं ना तो उससे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आज का लाइक का टारगेट है 7000। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो पे काफी ज्यादा सपोर्ट करेंगे। चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करना। यदि आप कल का वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। कमेंट में जाएंगे ना तो कमेंट में यहां पे आपको लिखना होगा वीडियो नाइस लिखना होगा, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा वीडियो नाइस, कमेंट के अंदर आपको लिख देना होगा। तो बस ये छोटी से काम करने के बाद दोस्तों ये रहा गूगल मैप। यदि आपके फोन के अंदर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों चलिए मैं आपको खुफिया सेटिंग में बता देता हूं जो गूगल मैप के अंदर छुपा हुआ है। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल कि आप यानी कि आप कहीं जाते घूमने के लिए, दिल्ली से मुंबई जाते हैं या मुंबई से दिल्ली जाते हैं, तो वहां पे टोल नाका बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन टोल नाका मिलेगा तो वहां पे आपको पैसा वगैरह देना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि टोल नाका ना मिले, बिल्कुल पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये चीज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गूगल मैप के अंदर एक ऐसी इंटरेस्टिंग सेटिंग छुपा हुआ है जिससे कि आप शॉर्टकट रास्ता बता देगा, जो काफी इंटरेस्टिंग रास्ता बताएगा जिससे कि आप टोल नाका नहीं मिलेगा। तो कैसे आप ढूंढ पाएंगे, तो सबसे पहले यहां पे आपको जो है ना सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं, ठीक है। करने के बाद यहां पे मैं भी सर्च कर लेता हूं, दिल्ली जाना चाहता हूं, यहां पे मैं दिल्ली सर्च कर लिया, ठीक है, बिहार से मैं दिल्ली। और जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना, 3 डॉट में जाना। जाने के बाद दोस्तों यहां पे रूट ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों पे मिल जाएगा टूल रोड, तो यहां पे आपको क्लिक कर देना, यहां पे क्लिक कर देना होगा। इस पे क्लिक कर देंगे ना, इसको हटा देंगे ना, तो आपको डन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे डन पे क्लिक करेंगे ना, तो जो भी आपको टूल नाका नहीं मिलेगा ना, तो आपको रास्ता बता देगा और काफी इंटरेस्टिंग रास्ता बता देगा, जहां पे आपको दूर दूर तक आपको टूल नाका नहीं मिलेगा। जी हाँ, तो ये मुझे काफी कमाल के लगा, काफी कमाल के सेटिंग लगा जिससे कि आप यूज कर सकते हैं। तो ये था पहला खुफिया राज छुपा हुआ था जो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। उसके साथ ही साथ दोस्तों चलिए मैं आपको बता देता दूसरा खुफिया राज के बारे में बता देता हूं, और ये जो है एटीएम को लेकर के। दोस्तों आपको पता है कि आप देहात में रहते हैं या कहीं कोई ऐसे शहर में रहते हैं जिस जगह एटीएम ढूंढने में काफी दिक्कत होता है। लेकिन आपको पता है कि गूगल मैप के अंदर एक ऐसे इंटरेस्टिंग फीचर है जिससे कि आप जो है ना आसपास एटीएम बड़ी आसानी से ढूंढ के रख देगा और आपको जो है ना बड़ी आसानी से पैसा निकाल सकते हैं। तो यहां पे एटीएम का ऑप्शन होगा, सिर्फ आपको सर्च नहीं करना, आपको सिर्फ यहां पे एटीएम का ऑप्शन होगा। तो जैसे एटीएम पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, जहां जहां आपको मिलेगा, आपके लोकेशन में रहेगा ना, जिस जगह पे रहेंगे, या दिल्ली में हो या बिहार में हो या बॉम्बे में हो, जिस जगह पे रहेंगे ना, उस जगह के जितना भी एटीएम होगा ना, सब लोकेशन आपको एरिया में आपको बता देगा, बड़ी आसानी से पैसा वगैरह निकाल सकते हैं, जो काफी कमाल की है। तो ये था दूसरा खुफिया राज के बारे में। उसके साथ दोस्तों चलिए मैं आपको तीसरा खुफिया राज के बारे और सेटिंग के बारे में बता देता हूं, और ये सेटिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता हो कि यदि आप किसी को भी फोन दे देते, आप अपने फ्रेंड को या किसी को भी दे देंगे ना, तो क्या होगा कि गूगल मैप से आप बड़ी आसानी से पता लगा लेगा कि आप यहां पे गए थे, इस जगह गए थे, इस शहर में गए थे, बड़ी आसानी से पता लगा लेगा, क्योंकि इसके अंदर हिस्ट्री छुप जाता है। जैसे कि आप जाएंगे ना और यहां पे सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहां पे हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहां पे जो जो आपका मैप का हिस्ट्री होगा ना, सब कुछ आपको दिख, एक्टिविटी दिख जाएगा कि आप कहां से कहां गए थे, किधर से किधर गए थे, पूरा हिस्ट्री आपको जो है ना यहां पे दिखने को मिल जाएगा। लेकिन आपको क्या कर सकते हैं कि गूगल मैप के अंदर एक ऐसे इंटरेस्टिंग सेटिंग है जिससे आपको कैंगोड में आप जो है ना मोड में आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि जो है ना आपको क्या होगा कि आप जो भी डेटा आप यहां पे सर्च वगैरह करेंगे ना, तो वो आपके आपके हिस्ट्री में जो है ना सेव नहीं होगा। आप बड़ी आसानी से जो है ना आप यहां पे सर्च वगैरह कर सकते हैं, जो भी चीज जहां भी जाना चाहते हैं वहां से आप जा सकते हैं, और आपका जो डेटा जो है ना यहां पे आपको सेव नहीं होगा, आपका यहां पे डेटा जो है ना हिस्ट्री में सेव नहीं होगा। जी हां, तो इस सेटिंग का जरूर फायदा जो है जो काफी कमाल की। यदि आप इसे ऑफ करना चाहते हैं तो यहां पे क्लिक करें और यहां पे ऑफ कर दे, तो ये होगा कि आपका कैंगोड जो है ना बंद हो जाएगा। जी हां, तो कुछ इस तरह से तीसरे नंबर का सेटिंग जो है ना आप लोग यूज
कर सकते हैं। मैं आपको चार नंबर का सेटिंग बता देता हूं और ये जो चार नंबर का सेटिंग काफी इंटरेस्टिंग है। तो थ्री डॉट में जाएंगे ना, तो जाने के बाद दोस्तों यहां पे आपको सैड लोकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि आपके घर में बच्चे हैं और वो स्कूल वगैरह जाता है ना, तो आप चाहते हैं कि यार उसको नजर रखना चाहते हैं, उसको ट्रैक करना चाहते हैं कि वो कहां जाता है कहां नहीं जाता है, तो आप ये चीज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, यहां पे गूगल सैड इन में जाना होगा, स्टार्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों उनका फोन लेने के बाद आप अपने फोन के अंदर जो है ना एक लिंक शेयर करना होगा। तो यहां पे आपको एक घंटे के लिए देखना ट्रैक करना चाहते हैं या आप लाइफ टाइम के लिए, तो अपने हिसाब से सेलेक्ट करके जो है ना आप अपने अपने व्हाट्सएप पे हो या किसी पे जो है ना बड़ी आसानी से लिंक वगैरह को शेयर करके जो है ना आप उसे ट्रैक वगैरह कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये था मुझे काफी इंटरेस्टिंग चार नंबर का सेटिंग जो गूगल मैप के अंदर छुपा हुआ था, जो आप लोगों को नहीं पता था। तो चलिए मैं आपको बता देता पांचवा नंबर का सेटिंग के बारे में, और ये जो सेटिंग है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि जो गूगल मैप यूज करते होंगे तो कुछ नॉर्मल तरीके से यूज करते होंगे, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि पूरा सैटेलाइट की तरह आप यूज करना चाहते हैं अपने मैप को, जो 3D लुक में यूज करना चाहते हैं, पूरा एक एक घर दिखे, तो आप ये चीज बड़ी आसानी से गूगल मैप के अंदर कर सकते हैं, आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 3D लुक पे जाना होगा, जाने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको सेटिंग मिल जाएगा, सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा, नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट मैप्स यहाँ पे नजर आता होगा, इसको क्लिक कर लीजिए। जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिंपल बैक कर लीजिए, बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि जो जो आपको यहाँ पे घर होगा ना सब कुछ आप यहाँ पे दिखने लगेगा, आप पूरा HD क्वालिटी में। यहाँ पे मेरा नेट नहीं चल रहा, स्लो चल रहा है, इसलिए आपको कुछ इस तरह से दिखता होगा, लेकिन दोस्तों आपके फोन में नेट अच्छा चल रहा है ना यहाँ पे, तो काफी ज्यादा जूम करेंगे ना तो पूरा एक एक चीज आपको घर यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेट स्पीड चला तो यहाँ पे पूरा एक एक चीज आपको मिल जाएगा कि कहाँ पे रास्ता है, कहाँ पे घर है, सब कुछ आपको दिखने को मिल जाएगा जो आप HD क्वालिटी में देख पाएंगे। जी हाँ, तो यही था पांच इंटरेस्टिंग गजब का खुफिया छुपा हुआ था जो आपके गूगल मैप के अंदर था। तो आशा करता हूं कि आप लोग इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और डे टू डे लाइफ में जरूर करेंगे। तो दोस्तों बस यही था आप सभी को बताना था इस वीडियो के अंदर, आशा करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।